नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, लेकर हाजिर हूं देश का सवाल और बार बार पूछूंगी देश को जवाब दो। क्या बंगाल में रामराज आएगा और दीदी का गुंडा राज जाएगा? सवाल इसीलिए क्योंकि पीएम मोदी ने आज बंगाल की धरती से ऐलान कर दिया कि 2 मई दीदी गई, और इस ऐलान की शुरुआत उन्होंने उसी राम नाम से की जिससे दीदी अक्सर चिढ़ जाती है और उसे अपना अपमान तक बता चुकी है। तो दीदी अब क्या क्या, जैसे गाड़ी से उतरकर आपने राम भक्तों को जेल भेजने की बात कही, वैसे ही टीएमसी की गुंडा फौज से हिंसा करवाओगे? जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन सिंह के साथ जैसी गुंडागर्दी करवाई, वैसे ही क्या पूरे बंगाल में हिंसा करवाओगी? बंगाल में 130 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की तरह आगे भी क्या हत्याएं होती रहेंगी? देश को जवाब दीजिए। क्या गुंडा राज के दम पर बंगाल में चुनाव जीतने का प्लान है? क्योंकि बंगाल का 44 साल का चुनावी इतिहास रक्त रंजित रहा और इस बार भी चुनावों में वही हो रहा है, तो देश तो सवाल पूछेगा क्यों ना आए बंगाल में रामराज। आप अपने मन से खेला होबे कहती हैं, खेला होबे कहती भी है, मोदी जी अपने मन से विकास होबे कह रहे हैं। आप फ्री राशन से शासन का सपना देख रही हो, मोदी जी सबका साथ सबका विकास के दम पर वोट मांग रहे हैं। दीदी आप कभी हिंदू वोट बैंक के लिए चंडी पाठ करती हो तो कभी मुस्लिमों को लुभाने के लिए कलमा पढ़ती हो, और सबसे बड़ी बात खुद को बंगाल का बाघ बताकर लोगों को डराती भी हो। आखिर इस गुंडा राज का बंगाल से अंत क्यों ना हो, इसी मुद्दे पर आज करूंगी बहस। सवाल आप सुन लीजिए, क्या बंगाल से टीएमसी का गुंडा राज खत्म होगा? क्या बंगाल ने रामराज लाने का मन बना लिया है? क्या 2 मई दीदी गई ये बात सच होने वाली है? देश को जवाब दीजिए। दीदी खुद को बाघ बताकर आखिर किसको डराना चाहती है, और दीदी को मन से कलमा क्यों पढ़ना पड़ा? ये इसलिए सवाल क्योंकि दीदी के अलग अलग रंग इस वक्त बंगाल में नजर आ रहे हैं, चुनाव में नजर आ रहे हैं। दीदी की आस्था कुछ भी हो सकती है, दीदी किसी के भी साथ जाकर खड़ी हो सकती है, प्रदेश की मुखिया है, और किसी की आस्था से, किसी के श्रद्धा से यहां इस देश में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब चुनाव का रंग आता है और आपकी आस्था का तरीका, आपकी आस्था बदल जाती है, आपकी श्रद्धा बदल जाती है, आपके विकास का रोड मैप बदल जाता है। आप दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा सकती हैं, लेकिन चुनाव आते वक्त आप जाकर चंडी पाठ करके दुर्गा माँ को राम से बड़ा बताती हैं। इसीलिए आज बहस करूंगी, तमाम मेहमानों को जोड़ूंगी, इसलिए रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम, और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? बंगाल में राम नाम की इस हुंकार से दीदी परेशान है। कभी मंदिर जाकर इसका तोड़ निकालने की कोशिश करती हैं, तो कभी धर्म के नाम पर लोगों को उकसाकर इससे भागने की कोशिश। लेकिन नतीजा क्या होगा वो तो राम नाम की ये गूंज तय कर रही है। आज पीएम मोदी ने भी बंगाल की अयोध्या पुरुलिया से अपने भाषण की शुरुआत राम नाम से ही की। पीएम मोदी ने दीदी के खिलाफ हुंकार भरी और 2 मई के चुनावी नतीजों का ऐलान आज ही कर दिया। 2 मई, 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी जाचे। आसल परिवर्तन आछे। पुरुलिया से पीएम मोदी दीदी के चुनावी हिंदुत्व पर भी जमकर बरसे। ममता के चंडी पाठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि ये दीदी का हृदय परिवर्तन नहीं, हार का डर है। चुनावी हिंदुत्व पर सवाल उठते देख दीदी अपनी तुष्टिकरण की राजनीति पर फिर लौटी, और पहले मंच से चंडी पाठ करने वाली ममता आज मंच पर कलमा पढ़ती सुनाई दी। अल्लाह का प्रार्थना करी, अल्लाह दुआ दाओ, शुभ कामना दाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पीएम मोदी ने ममता दीदी की हार और डर पर हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा ममता डरी हुई हैं,
तो ममता दीदी ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं बंगाल की बाघ हूँ, किसी से डरने वाली नहीं। आमी जोखन लड़ाई करी आमी बागेर बच्चार मतो लड़ाई करी, आमाके तुमरा मारो आर धरो आर पेटाओ, जतक्षण आमार बुके थाकबे आस, जतक्षण चलबे श्वास, जेने रेखे दियो आमी माथा नत करते शिखिनी, आमी माथा नत करबो ना। अब दीदी बंगाल की शेरनी साबित होंगी या पीएम मोदी बंगाल की जंग जीत जाएंगे, ये तो 2 मई को ही मालूम चलेगा। लेकिन एक बात जो प्रचार में साफ साफ नजर आ रही है वो है बंगाल में बीजेपी का बढ़ता कद और दीदी के गुंडा साम्राज्य का अंत। तो आज हिंदुस्तान यही पूछ रहा है, क्या बंगाल में आएगा रामराज, खत्म होगा गुंडा राज? देश को जवाब दो। सबसे अहम सवाल ये कि दीदी जिस तरीके से अपना राजनीतिक रोड मैप लोगों के सामने रख रही है, उसमें हिंसा, उसमें हुड़दंग, उसमें उपद्रव, ये तमाम चीजें हैं। जब दीदी से राम नाम के बारे में अगर जय श्री राम का कोई नारा लगा दे तो दिक्कत होती है, लेकिन खुद लोगों के बीच जाकर चंडी पाठ करने से नहीं कतराती। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि दीदी इतना सेलेक्टिव क्यों, दीदी जब मुस्लिम तुष्टिकरण की बात को इतने खुले मंच पर रखती है तो फिर क्यों जताना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं? दीदी की आस्था से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत वहां है जहां आप सेलेक्टिव होती हैं चुनाव के वक्त आकर। और इसीलिए सवाल है, तमाम मेहमानों से पहले मिलवा देती हूं, इस वक्त मेरे साथ इस डिबेट में दीपक झा मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। इस वक्त मेरे इस डिबेट में प्रीति पांडे जी है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस डिबेट में। शाकिर अली साहब है, टीएमसी से बहुत बहुत स्वागत। अर्जुन सिंह अब से कुछ देर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट में सरफराज सैफी और प्रत्युष खरे भी जुड़े हुए हैं। मैं तमाम लोगों के पास आ रही हूं, ये डिबेट शुरू करूं उससे पहले, क्योंकि लगातार ये झगड़ा राम के नाम से शुरू। और आज आपको एक्सक्लूसिव खबर और दे दूं कि अरुण गोविल ने भी बीजेपी ज्वाइन किया और जी हिंदुस्तान से खास बातचीत की, नाम लिए बगैर ममता बनर्जी पर हमला भी बोला। कुछ लोगों को श्री राम से एलर्जी है, अरुण गोविल ने क्या कहा कि कुछ लोगों को श्री राम से एलर्जी है, बताने आया हूं कि श्री राम जीवन का आधार है, मेरे लिए बीजेपी ज्वाइन करने का ये सही समय है। जरा सुनिए कि क्या कहा एक्सक्लूसिवली, उसके बाद सरफराज आपके पास आ रही। इस वक्त मेरे साथ पर्दे के राम अरुण गोविल जी हैं। सर, आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, बंगाल इलेक्शन के समय ही आपने क्यों ये समय चुना कि आप बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? मैंने ये समय नहीं चुना, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से ये समय आया है मेरा ज्वाइन करने का। क्या घटनाएं हुई हैं सर जिसकी वजह से आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? लोगों को श्रीराम के नाम से एलर्जी हो गई है इस देश में, मुझे नहीं अच्छा लगा वो। मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप श्रीराम को समझने की कोशिश करेंगे तब ये ठीक होगा देश, ये देश श्रीराम का देश है। धन्यवाद। ठीक है, तो पर्दे के राम ने ये कहा है कि भविष्यवक्ता नहीं है, बंगाल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी इसकी खबर नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन अमित के साथ अभिषेक दुबे, जी मीडिया।